नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है पुरुषों में अगर पेशाब का प्रॉब्लम होता है तो उसका जड़ पेट में भी हो सकता है। शायद आपको पता लग गया होगा कि किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो इसी कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है प्रोस्टेटोमेगैली। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ये पूछा था कि सर, पेट के निचले हिस्से में यानी कि नाभि के नीचे अगर दर्द होता है और बेसिकली पुरुषों में ये प्रॉब्लम होता है तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो उसके पीछे रीज़न होता है प्रोस्टेटोमेगैली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है और किन किन कारणों के वजह से वो बढ़ता है, उसके लिए हमें कैसे प्रिवेंशन करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रोस्टेट के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नवी मुंबई में। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पुरुष ग्रंथि पुरुषों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, क्योंकि वीर्य में जो भी लिक्विड पदार्थ जो होता है या सेमिनल फ्लूइड जो होता है उसका 90% लिक्विड पोर्शन ये प्रोस्टेट ग्लैंड के वजह से ही आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड वीर्य को यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको स्विम करने के लिए जो फ्लूइड मीडिया होता है वो फ्लूइड मीडिया देने का काम करता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे शरीर में तभी एक्टिवेट होती है या वो तभी प्रोस्टेटिक सिक्रेशन सिक्रेट करती है कि जब हम मैथुन की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे सारे समय पर यह प्रोस्टेट ग्लैंड का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म को लिक्विडिटी देना, उनको एनर्जी देने का मेन फंक्शन यह करता है। कुछ कुछ पुरुषों में उम्र के हिसाब से जैसे कि एंड्रोपॉज आ जाता है, लगभग 50 साल की उम्र के बाद ये जो प्रोस्टेट होता है उसमें एनलार्जमेंट दिखाई दे जाती है। प्रोस्टेट का नॉर्मल जो वजन होता है 25 ग्राम से 30 ग्राम तक होता है, लेकिन उम्र के साथ अगर ये बढ़ने लगती है तो इसका वजन 250 से 300 ग्राम तक भी बढ़ सकता है। प्रोस्टेट में बेसिकली 5 लोब्स होते हैं और इनमें से किसी भी लोब में अगर ग्रोथ हो जाती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे यूरेथ्रा और यूरिन की फोर्स और फ्लो पर हो जाता है और उसी के अनुसार हमें प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है या नहीं इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोस्टेट के लक्षण क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। अगर आपको भी बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है और पेशाब करके आने के बाद भी आपको वो सेटिस्फैक्शन फीलिंग नहीं होता है कि जिससे आपने कम्प्लीटली आपके ब्लैडर को एम्प्टी कर दिया, तो आपको प्रोस्टेट का तकलीफ हो सकता है। इसी लक्षण को आयुर्वेद में कहा जाता है कृते अपि कृत सौज्ञताम, यानी कि पेशाब कर होने के बावजूद भी पेट में या ब्लैडर में पेशाब कुछ अंश में बाकी है ऐसा हमें फीलिंग रहता है। इसमें दूसरा लक्षण होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। बहुत सारे लोगों को अगर पेशाब को आती है और वो अर्ज होल्ड नहीं कर पाते, इमीडिएटली उनको यूरिनेशन हो जाता है, या फिर उनको कभी कभी अंडर गारमेंट्स में भी यूरिनेशन हो जाता है, या फिर यूरिन होते समय रुक रुक कर होता है या बहुत फोर्सफुली अगर बाहर आ जाता है, तो ये भी लक्षण प्रोस्टेट में दिखाई देते हैं। इसमें तीसरा लक्षण होता है पेन व्हाइल यूरिनेशन। अगर आपको पेशाब करते समय नाभि के निचले वाले हिस्से में दर्द होता है, पेशाब बाहर निकलते समय उसमें भी अगर दर्द होता है, तो ये भी लक्षण प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट में दिखाई देते हैं। इसमें लक्षण होता है रिड्यूस्ड फ्लो एंड फोर्स ऑफ द यूरिन, यानी कि पेशाब करते समय अगर वो जो पेशाब का प्रेशर चाहिए, जितने प्रेशर से यूरिन बाहर आना चाहिए उतने प्रेशर से वो नहीं आता होगा, या उसका जो फ्लो है वो एक एलिप्टिकल फॉर्म में होना चाहिए वैसे ना होके वो ड्रिबलिंग यूरिन यानी बूंद बूंद यूरिन अगर आपकी गिरती होगी, या यूरिन करते समय उसमें कुछ प्रकार का फ्लो अच्छी तरह से नहीं होगा, रुक रुक कर अगर यूरिन आती होगी, तो ये सारे लक्षण प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के होते हैं। नॉक्चुरनल यूरिनेशन, यानी कि अगर आपको रात के समय कंटिन्यूसली यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता हो जिससे कि आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो ये भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का लक्षण होता है।
और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन सिम्टम होता है यूटीआई, यानी कि यूरिन का फोर्स, यूरिन का फ्लो, उसकी क्वांटिटी और ड्रिबलिंग यूरिन होने के वजह से या रुक रुक कर यूरिन होने के वजह से ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता, उस वजह से वहाँ पर बैक्टीरियाज ग्रो होने लगते हैं और यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के वजह से यूरिन बाहर आते समय काफ़ी जलन प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ पूरे भाग में हमें एक प्रकार से पेन होता है, तो ये सारे लक्षण प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के होते हैं। प्रोस्टेट आपका एनलार्ज हुआ है कि नहीं, इसका डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, तो इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है आपका पेट का सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमिन अगर हम करते हैं तो उससे हमारी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है क्या नहीं ये अच्छे से हमें पता चल जाता है। प्रोस्टेट के सोनोग्राफी में हमें ये पता चल जाता है कि हमारे प्रोस्टेट का वजन कितने लेवल पर बढ़ा है, और जो सोनोलॉजिस्ट रहता है वो आपको पेशाब होने से पहले भी सोनोग्राफी करके यूरिनरी ब्लैडर में कितनी हद तक यूरिन था और पेशाब होने के बाद भी कितनी हद तक यूरिन कम्प्लीटली एम्प्टी हुआ ये चेक करते हैं, यानी कि आपका प्री वॉइड वॉल्यूम और पोस्ट वॉइड वॉल्यूम के अनुसार पर आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर प्रोस्टेटोमेगाली है। माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर प्रोस्टेटोमेगाली अगर आपको है तो उसका डायग्नोसिस एक्यूरेटली आपके सोनोग्राफी के रिपोर्ट पर लिख कर आ जाता है। उसके अनुसार अगर फिर भी सोनोग्राफी में ये प्रॉब्लम कैच नहीं हुआ तो आप इसके लिए करा सकते हो सिटी स्कैन ऑफ एब्डोमिन एंड पेल्विस, तो इसमें भी आपको अच्छी तरह से आपका प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है या नहीं ये पता चल सकता है। इसी के अनुसार हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है PSA, यानी कि प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन नाम का टेस्ट अगर हम करते हैं तो इसमें प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट तो पता चल ही जाता है, बट उसमें कैंसरस पैथोलॉजी है या नहीं इस बात का भी पता चल जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट के पीछे क्या कारण होते हैं? अगर इनके कारणों की बात करें तो इसमें सबसे पहला कारण होता है एज फैक्टर, यानी कि अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा होगी तो ऐसे में आपके शरीर की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगती है। आपने पहले यानी कि जवानी के समय पर प्रोस्टेट ग्लैंड को किस प्रकार से हैंडल किया था उसके अनुसार प्रोस्टेट ग्लैंड का ये सिग्नलिंग या एनलार्जमेंट डिपेंड होता है। अगर हमने बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं कि जिससे कि बेल्ट का प्रेशर हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड पर आता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा था, आपका टाइप 2 डायबिटीज जैसे कंडीशन था, या आपका अम्बिलिकल हर्निया या फिर ऐसे जिम जैसे कुछ एक्टिविटी आप कंटिन्यूअसली करते हो गए कि जिससे एब्डोमिनल प्रेशर आपका बढ़ता हुआ रहेगा, तो ऐसे सारी कंडीशन से लॉन्ग रन में यानी कि एज या फिर उम्र होने के बाद प्रोस्टेट के ऊपर काफ़ी बुरा असर होता है, जिससे कि प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट दिखाई दे जाती है। और इसी कंडीशन को BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया नाम से जाना जाता है, कि जिसमें प्रोस्टेट के जो लोब होते हैं उनमें एनलार्जमेंट होती है, उनमें कुछ प्रकार के एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करने लगते हैं। बेसिकली पुरुषों में जो कैंसर्स होते हैं उसमें प्रोस्टेट नाम का भी कैंसर या प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कैंसर हो सकता है, लेकिन हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कैंसर ही होता है ऐसा नहीं है। इसलिए आपको प्रोस्टेट का ख्याल रखने के लिए आपके उम्र के हिसाब से प्रोस्टेट ना बढ़े इसके लिए आपको प्रिवेंशन काफी पहले से शुरू कर देना चाहिए। प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के पीछे दूसरा प्रमुख कारण होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना। जैसे ही हम प्यूबर्टी स्टेज में होते हैं तो हमारे शरीर में यानी कि बेसिकली ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि हमारी फर्टिलिटी भी ऑप्टिमम लेवल पर रहती है। लेकिन जैसे जैसे एंड्रोपॉज आने लगता है उस हिसाब से हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होने लगती है, और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड भी निष्क्रिय होने लगती है। कुछ कुछ लोगों में ये सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता और उनकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट करने लगती है, और इसी कंडीशन को कहा जाता है BPH। प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट को आपको प्रिवेंट करना है तो इसमें आयुर्वेद में बताई हुई सबसे बेस्ट औषधि है चंद्रप्रभावटी। चंद्रप्रभावटी ये एक ऐसा प्रकार का यूनिक फॉर्मुलेशन है कि जिसमें चंद्रप्रभा, शिलाजीत और कुछ प्रकार के गुगुड़, दशमूल वाले वात द्रव्य, ये सारे द्रव्यों का कॉम्बिनेशन किया हुआ टैबलेट होता है। अगर हम रेगुलरली इसका सेवन करते रहते हैं तो उससे हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है उसको हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाले कुछ जो
हार्मोनल प्रिपरेशन होते हैं जिससे कि हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल जो होती है वो बढ़ी हुई ही रहती है। उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड को काफ़ी एक्टिव होने से वो बचा के रखता है, जिससे कि उसमें हाइपरप्लेजिया यानी कि एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ ना हो, इस प्रकार के चेंजेस को वो कंट्रोल करके रख सकता है। चंद्रप्रभा वटी जो होती है ये आपको इस्तेमाल कैसे करनी चाहिए, चंद्रप्रभा वटी का सेवन आपको 2 गोलियां दोपहर को खाने के बाद, 2 गोलियां रात को खाने के बाद इस प्रकार से 21 दिन लेना है और 10 दिन स्टॉप रखना है, फिर से 21 दिन लेना है, 10 दिन स्टॉप रखना है। इस प्रकार से अगर हम सेवन करते हैं तो चंद्रप्रभा वटी के रेगुलर सेवन से हमारे प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इनिशियल स्टेज पर अगर आपकी प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो भी रही होगी, जिससे कि आपकी यूरिन के फ्लो के ऊपर, आपकी यूरिन की क्वांटिटी के ऊपर, उसकी ड्रिबलिंग यूरिन की जैसे सिम्टम्स आपको होंगे, तो चंद्रप्रभा वटी के रेगुलर इस्तेमाल से ये कम हो जाते हैं। चंद्रप्रभा वटी खाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, हमें प्यास लगे तो ही पानी पीना है, यूरिनेशन के अर्ज को होल्ड नहीं करना है। और इसके साथ साथ रेगुलरली हमें सेतु बंधासन की प्रैक्टिस रखनी चाहिए। सेतु बंधासन ये एक प्रकार का आसन है कि जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पुरुष ग्रंथि पर होता है, हमारी प्रोस्टेट की हाइपरप्लेजिया वाली एक्टिविटी को कंट्रोल में रखता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को वो कंट्रोल में रखता है और उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड में जाने वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है। इस चंद्रप्रभा वटी को प्राप्त करना कैसे है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चंद्रप्रभा वटी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपको भी प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट की तकलीफ हो तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के बारे में किसी प्रकार की शंका होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।